नमस्कार दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी का पांचवा दिन है और मैं गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाने जा रही हूँ आटा मोदक। जब मैंने इसे पहली बार बनाया था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि आटे से बना हुआ मोदक कैसा बनेगा, लेकिन जब मैंने इसे बनाकर खाया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आटे से बना हुआ मोदक इतना ज्यादा टेस्टी लग सकता है। इसलिए मैं इसे आज गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। इसे आप भी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आटा मोदक बनाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेना है। मैं वीडियो में जो भी सामान का इस्तेमाल करती हूँ उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। यदि आपको बाय करना है तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच घी डालकर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ। जब ड्राई फ्रूट्स में हल्का कलर आ गया था तब मैंने इसमें डाल दिया था 3 चम्मच खसखस। खसखस डालकर 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया था। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। आटा डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर मैं 10 से 15 मिनट भून लेती हूँ, जब तक कि इसमें सुनहरा कलर ना आने लगे। आटे को अच्छे से भुनना बेहद जरूरी है, तभी जाकर मोदक में अच्छा टेस्ट आएगा। आटा जब भुन जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये हल्का सा लाइट ब्राउन दिखने लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/2 कप घी। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएं। भुने हुए आटे और घी की खुशबू इतनी अच्छी आती है कि इसकी खुशबू जहाँ तक जाएगी लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं प्रसाद बन रहा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। आटा मोदक के लिए आटा भुन गया है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब सेम कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 1 कप गुड़ और 1/2 कप पानी। जब गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें इस तरीके से बबल आने लगे तब मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच घी। यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट गुड़ को पानी में पिघला लेना है, नहीं तो मोदक हार्ड हो जाएगा। इसे थोड़ी देर खौलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ आटा। आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसे फ्लेम से उतारकर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। मोदक तैयार करने के लिए मैंने एक कटोरी में लिया है कटा हुआ पिस्ता। मोदक को आसानी से गढ़ने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोदक मोल्ड। मोदक को खूबसूरत दिखने के लिए मैं टिप पर डाल रही हूँ कटा हुआ पिस्ता। अब मैं मोदक के डो को दोनों साइड थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। इसे अच्छे से टाइटली प्रेस करें ताकि मोदक का एक्स्ट्रा डो बाहर निकल जाए और मोदक का शेप बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आटा मोदक बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मोदक कैसा बना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब मैं चली गणपति बप्पा को भोग लगाने। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय पर एक नए मोदक की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।